शुभ प्रभात, नमस्कार आप सबको। केदार घाटी में आज एक बार फिर से मौसम बहुत साफ है। ये हमारा गांव है जी, देखिएगा आप चारों तरफ क्या सौंदर्यता है यहाँ की। और आजकल खासकर सावन के महीने में जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, वो जो बढ़ जाता है, उसका क्या कहना। आज आप सुबह सुबह सोच रहे होंगे कि मैं लाइव क्यों आ गया हूं। कारण बहुत स्पष्ट है, कुछ चंद बातें जो रात भर मैं सोचता रहा कि यार हमारी केदार घाटी में जो व्यवस्थाएं हैं उनका निदान किस तरह से हो। देखिएगा, समझिएगा, एक पत्रकार की भूमिका में पिछले 6 वर्षों में हमने जो देखा है, सभी जगह जो अव्यवस्थाएं हैं वो चरम पर है। केदार घाटी में थोड़ी सी बातें क्यों हो जाती हैं, क्योंकि यहां से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और रोजगार के जो साधन हैं वो हमें यकीनन बढ़ाने होंगे, ना कि उनको कम किया जाए या उन पर टीका टिप्पणी की जाए। अभी अभी आपदा आई है और उसका कारण आप जानने की कोशिश करें तो केदारनाथ धाम में भी कतई ऐसी चीजें हो रही हैं जिन पर सोचा जाना चाहिए। वो वीडियोस कुछ हमने आपको दिखाई भी थी जब हम केदारनाथ धाम में थे। ये बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल सी बातें हैं और पता नहीं क्यों समझ नहीं आती, ये बड़ा प्रश्न है। सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आप केदारनाथ में बना रहे हैं, जिसके लिए आपने कहीं पर क्रेशर प्लांट भी लगा रखा है, कहीं पर आपने जो डिगिंग मशीन्स हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, बोल्डर्स, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन वहां चल रही है, जहां ढोल तक जोर से नहीं बजाते थे, जहां बकरी चालक जब पुराने जमाने में जाते थे वो सीटियां नहीं बजाते थे कि कहीं ग्लेशियर पे इफेक्ट ना पड़े। आज वो सब हो रहा है वहां। मतलब ये हमारी सेंसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हम पूरी तरह से चाह रहे हैं कि इसको हम एक ऐसा जोन बना दें जहां पर आप देखिए ना, वो जो क्रेशर बना रखा है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के पीछे, वो कितना उसके उसके ठीक पीछे जो क्रेशर है, वहां से ही जो लास्ट टाइम जब चोलाबारी लेक में फटा था वहीं से आया। अब आज वो पत्थर निकाले जा रहे हैं, क्या उनके ट्रीटमेंट के बारे में सोच रही है सरकार, या उन कंपनियों को बोला जा रहा है। बड़ी बात ये भी सुनी है कि वो जो क्रशर है वो चंडीगढ़ वाला कोई लगा के रहा है, स्थानीय लोगों को उसमें बीच में बस जोड़ा गया है ताकि कोई प्रश्न ना करे। पर ये सब आखिर कब तक? और ऐसे हमारे जो पुरोहित समाज के लोग हैं, आज उनकी जमीनों पर किस तरह से बिल्डिंगें बन रही हैं और फ्लोर वाइज अब उन्हें दिया जा रहा है, जिसका पहले उनको मालिकाना हक था वो छीना जा रहा है। बहुत सारी सी चीजें हैं। अब की बार आपदा में एक और चीज समझ में आई कि जो पहले बात हो रही थी कि यार वैकल्पिक रास्ते होने चाहिए, पैदल मार्ग होने चाहिए, तो यकीनन क्यों नहीं उसके बारे में सोचा जाता है। चिरौंड से एक बात हो रही थी, तोशी से एक पैदल मार्ग की बात हो रही थी, त्रिजुगी नारायण से एक ट्रैक, ये ट्रैक रूट बना दिए जाने चाहिए। चौमासी वाले भी संघर्षरत हैं, तो ये ट्रैक रूट्स अगर बन जाए तो एटलीस्ट आपके पास ज्यादा लोग भी आएंगे तो सुरक्षित अपने अपने हिसाब से केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। और सोचिएगा जब ये आएंगे, मुझे याद है जब हेलीकॉप्टर शुरू हुए थे शुरुआत में, तो बड़ा रोष था जो हमारे खच्चर यूनियन वाले लोग हैं, खच्चर वाले जो लोग हैं, उनको लगा कि उनके व्यापार पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यात्री और बढ़ते चले गए। जब व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं तो यकीनन यात्री आते हैं। और इस पर एक बहुत बड़ा पहलू यह भी होना चाहिए कि अगर यात्री आ रहे हैं और अब व्यवस्थाएं बन रही हैं वापस से, या कभी भी, मुझे तो पहले लगता है रजिस्ट्रेशन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि स्थानीय अभी भी देखिएगा आपदा आई लेकिन उन्होंने, चाहे मैं सोनप्रयाग की बात करूं, मैं बात करूं गौरीकुंड में भी कतई लोगों को मैंने देखा ये करते हुए, गुप्तकाशी में, फाटा में, सब जगह, रामपुर में, नीचे भी यकीनन अगस्तमुनि में भी शायद किसी ने किया। तो ये क्या क्या लोगों ने बढ़ चढ़कर, व्यापार संघ ने स्पेशली, या फिर जो टैक्सी यूनियंस थी हमारी उन्होंने, कुछ और लोगों ने अपने उससे, इन्होंने सबके लिए फटाफट भोजन की व्यवस्थाएं की, लोकल्स व्यवस्थाएं करते हैं। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं आज सरकार बोल रही है 25,000 से 30,000 लोगों की व्यवस्था है साहब केदारनाथ में, पहले तो हमें वो रजिस्ट्रेशन खत्म कर देना चाहिए। लोकल्स व्यवस्था बनाने में बहुत अनुकूल है और वो कर लेंगे ये, और उसके लिए बहुत जरूरी है सरकार के साथ समन्वय, या फिर जिला प्रशासन के साथ समन्वय।
और अगर आप 30,000 लोग बोल रहे हैं कि बाई चांस चलो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखना ही चाहते हैं कि हमारे पास आंकड़े होने चाहिए, तो आप 30,000 का अगर करें तो 30,000 आप केदारनाथ में अगर प्लान आउट कर रहे हो तो उसी दिन 30,000 आप प्लान करो कि हम सोनप्रयाग या फिर रामपुर सीतापुर या फिर सीधे नीचे आके हम अगर गुप्तकाशी फाटा में भी प्लान करें, इन 30-35,000 लोगों को यहां भी रोके ताकि अगले दिन फिर वो 30,000 आराम से ऊपर जा सके। तो ये रोटेशन बना रहे, फिर ये 30,000 ऊपर जाते तो ये 30,000 यहां आएंगे। अब देखिए गुप्तकाशी में अगर कोई रुका है तो उसके बाद ऑप्शन होगा कि वो एक दिन मधुमेश्वर भी दर्शन कर ले, वो एक दिन कालीमठ दर्शन कर ले। सभी जगह वो लोग पहुंचेंगे तो यकीनन जो स्थानीय हैं उनके रोजगार बढ़ने की संभावनाएं हैं, और ये होना भी चाहिए, इसी तर्ज पर होनी चाहिए, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर है चाहे हमारे वो टैक्सी यूनियन है। सोचिए ना, होटल व्यवसायियों का अब की बार जो हाल हुआ है वो यकीनन बहुत बुरा हाल है, तभी सभी का है। स्पेशली मैं उनको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनको मोटी किस्तें देनी है, वो मोटी किस्तें किस तरह दे पाएंगे ये बड़ा प्रश्न है। अभी यात्रा कब तक शुरू हो पाएगी ये एक बड़ा प्रश्न है। हमने बात तो कर दी कि भैया हम हैली से शुरू करने वाले हैं यात्रा, आप हैली से यात्रा तो शुरू कर दोगे, पर क्या इस बात का संज्ञान भी लिया जा रहा है कि वहां ऊपर आज खाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। वहां पर जो पुरोहित समाज के लोग आज भंडारा दे रहे हैं, क्या उनके पास वो पूरी सामग्री है या नहीं, या उनको सामग्री पहले पहुंचाने का बात करनी चाहिए। क्योंकि पुरोहित समाज ने आज तक हमेशा ही और सदियों से केदारनाथ धाम का प्रचार प्रसार देशों में विदेशों में गांव गांव या शहर शहर जा जाकर किया है कि आइए आप केदारनाथ धाम, तो उस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता, उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता, उनका प्रयास भी है। और इसमें स्थानीय देखिएगा किस तरह से पिस रहा है हर जगह। हमारे लोग छोटे छोटी चीजों में बात करते हैं, भाई साहब मुझे एक दुकान के लिए जगह दे दीजिए, मुझे एक ढाबा खोलना है, मुझे टेंट लगाने हैं, ये तमाम चीजों के लिए प्रयास करते हैं। पर आप समझिएगा वहां प्रीपेड काउंटर्स पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका उत्तराखंड से कोई सरोकार ही नहीं है, उनको क्यों टेंडर दिया जा रहा है? क्या हमारे जिले के लोग इस काबिल नहीं है कि वो टेंडर ले सके? चलो आप बात कर रहे हो कि नहीं हो सकता। दूसरा एक और बड़ी बात है, यहां के अगर एक व्यक्ति से नहीं हो रहा है आप वो टेंडर को सब डिवाइड करके 3-4 लोगों में दे दो, भाई 5 लोग, वैसे भी भीड़ बहुत अधिक होती है गौरीकुंड में, तो 5-6 अगर अलग अलग टेंडर हो जिनको सब टेंडरिंग आप करो, पर 5-6 वो लोकल लोग हो ताकि एक स्टॉल पर भीड़ भी कम लगेगी और 5-6 जगह लोग अलग अलग आराम से टिकटिंग भी कर पाएंगे। अपने घोड़ा खच्चर की जो पर्चियां काटते हैं उसकी मैं बात करूं, लोकल्स को हर जगह इन्वॉल्व करना होगा, लोकल्स की आय बढ़ाने की सोचनी होगी। इस पर यकीनन मतलब काम किया जाना चाहिए, अदरवाइज हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं क्या? मतलब कोई ऐसा तो नौकरी तो ऐसा है नहीं, बाबा केदार की कृपा से ही सदियों से ये चीजें चलती आ रही हैं। और आज जब लोगों के पास मतलब बहुत कुछ उन्होंने जोड़ लिया है एक आशा के साथ कि हमें कुछ मिलेगा, उस पर अगर नहीं मिलता तो यकीनन वो बहुत दर्दनाक है। ये सोचने वाला विषय है, हम सबको सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए, चाहे जो हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है उस पर काम किया जाना चाहिए। गांवों की सड़कें, ये हमारे गांव की सड़क है, इस पर हमने बहुत बात की थी हमने जो यहाँ के एक्शन है उनसे भी, और जो एई है इस रोड पर उन्होंने बोला DPR तैयार हो गई, लेकिन आपने देखा होगा शायद एक वीडियो, हमने खुद उस दिन जो PWD के वो थे यहाँ पर मेड बिल्दार और एक जो JCB ड्राइवर थे उनको खुद बुलाया, खड़े रहकर उनसे नालियां करेंगे जितनी व्यवस्थाएं अभी बन सकती है, लेकिन जो DPR और ऐसे कई गांवों में है, कई गांव ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं, उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है क्या नहीं सोचा जा रहा है ये सरकार को पता होगा या उन लोगों को पता होगा, पर ये आखिर कब तक होगा ऐसा, ये बड़ा प्रश्न है। और इस सभी के बारे में हम सब लोगों को सोचना होगा। मैं कुछ कॉमेंट्स भी देख पा रहा हूँ, उन प्रश्नों को भी मैं लूंगा, जो दुकानदारों को लाखों का सामान पड़ा है उसका क्या, ये बड़ा प्रश्न है। जो केदारनाथ में अभी जो कुछ टेंट्स हैं किसी के रजाई गद्दे हैं कुछ आइटम हैं उनका क्या होगा, क्योंकि उनको रखने के लिए वहां पे प्रॉपर टिन शेड्स नहीं है, जो लोकल्स अपना सामान रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। विनोद सिंह जी बोलते हैं कि टेंडर अगर उत्तराखंडी लोकल भाइयों को मिलेगा तो फिर नेता जेब, तो नेताओं को जेब क्यों भरनी है और कब तक भरनी है, कब तक इन्हीं नेताओं ने अपनी जेब भरनी है? नेता चुनता है एक आम आदमी ताकि उसकी सुविधाओं के लिए, उसकी जो उसकी व्यस्तता है अपनी आम जिंदगी में, बच्चों को ले खाने की व्यवस्था करना, अपने घर का रेंट किराया व्यवस्था करना, अपनी इधर उधर की व्यवस्था करना, उसके लिए वो नेता चुनता है। तो नेता का काम जेब भरना नहीं है, नेता का काम है
लोगों के लिए तत्परता से खड़ा होना और उस पर काम करना, और जैसे ये व्यवस्थाएं देखना, जैसे मैं पैदल ट्रैक की बात कर रहा था, अगर सोचिए ना ये तमाम ट्रैक्स जो हैं, अगर अगर त्रिजुगी नारायण से ये ट्रैक बन जाए तो कितना अच्छा है, अगर ये तोशी से ट्रैक बन जाए कितना अच्छा है, वो चौमासी में वो ट्रैक बना हुआ है उस पर थोड़ा और काम किया जाए कितना अच्छा है। ये पैदल ट्रैक्स आज हमारी बैकबोन बनी है व्यवस्थाओं के लिए, तो क्यों ना इनको और सुधारीकरण किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए, ताकि वहां के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा व्यवसाय सब जगह बटे। पर इनकी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है, आज इनको पता है कि 30,000 ऊपर जा रहे केदारनाथ, कल नहीं जाने वाले इतने, तो क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि 30,000 आपके पास कम से कम 4-5 दिन का बैकअप पहले दिन से हो। जिस दिन लेट्स सपोज आज 1 तारीख है और 30,000 लोग आज केदारनाथ जा रहे हैं, तो मेक श्योर 1 तारीख को ही 30,000 लोग हमारे गुप्तकाशी फाटा या इन स्थानों पर 25,000 की 3 टुकड़ियां बना दो, ताकि ये इधर उधर भी जाएं और आसपास के गांवों में भी भ्रमण करें, आसपास के मंदिरों को देखें। हमारे देवभूमि में देखने के लिए बहुत कुछ है, यहां नारायण कोटी में देखिएगा आप, वहां पे 9 ग्रह का मंदिर है, क्या उसके बारे में चर्चा हुई है? मधमेश्वर घाटी में क्या शानदार मंदिर है मधमेश्वर जी, क्या मैं कल वहां गया था, देखिएगा कुदरत का करिश्मा कैसा, जो ही हम वहां पहुंचे तो कोई हमें मधमेश्वर से आकर पूजा का प्रसाद दे रहे थे। तो ये बाबा की कृपा है, ये सब पर इसी तरह बनी रहे, ये मैं चाहता हूं कि ये हो ऐसा, और उसके लिए हम चाहिए कि जो ये चीजें हैं इन पर निरंतर कार्य हो, जिला प्रशासन के बारे में सोचे, स्थानियों के बारे में भी सोचे और इन तमाम चीजों पर कार्रवाई हो। टेंट वाले का बोरी बुरा हाल है इस बार, हरेंद्र सिंह जी बोल रहे, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर ही बड़ी लचर जो व्यवस्थाएं हैं इन पर काम करना होगा, जिला प्रशासन को भी सरकार को भी सोचना होगा कि भैया हमारे जो लोग हैं इनका आजीविका किस तरह से हो बढ़े, और क्या कुछ चीजें ऐसी हों जो जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, लोकल से पूछो, लोकल किस तरह बेनिफिट में आ सकते हैं उनसे पूछो, उनकी राय मशवरा करो, कुछ चीजें हो सकता है वो अधिक बोल रहे तो उसमें कुछ कटौती करके वो चीजें प्रोवाइड करो, पर ये करनी पड़ेंगी तभी जाकर यहां पर जो चीजें हैं वो सामान्य हो पाएंगी। अभी के लिए जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नमस्कार।